स्वागत आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। उत्तर प्रदेश में जुलाई माह के फ्री राशन के लिए आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे दें। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जुलाई में गेहूं, चावल और चीनी आपको मुफ्त मिलने वाला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जो फ्री राशन है वो जुलाई माह की 5 तारीख से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बारे में एक अहम जानकारी सामने आई है, आपको पूरी गाइडलाइन जान लेनी चाहिए किस प्रकार से आपको राशन मिलने वाला है। इसके बारे में एक नया अपडेट हुआ है तो आपको बताना जरूरी है, तो अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो सभी जिलों में फ्री राशन कल से मिलना शुरू होगा, जिसमें गेहूं, चावल और चीनी मिलेगा। आपको बता दें, कोरोना काल में जुलाई माह के प्रथम चरण का मुफ्त राशन वितरण सोमवार 5 जुलाई से शुरू होगा। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद से आते हैं तो कोविड गाइडलाइन के मुताबिक आपको राशन बांटा जाएगा। राशन कार्ड के नंबर के अंतिम अंक के हिसाब से इस बार आपको फ्री राशन दिया जाएगा, जो कि 5 से 15 जुलाई तक वितरित होगा। अंतिम दिन ओटीपी के आधार पर आपको राशन दिया जाएगा। 11 दिन में उत्तर प्रदेश के सभी जनपद वालों को फ्री राशन में गेहूं, चावल और चीनी दिया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी उमेश चंद्र मिश्र ने बताया कि सोमवार सुबह 6 बजे से राशन वितरण का कार्य शुरू होगा। चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, सभी दुकानों पर नोडल अफसर की मौजूदगी में कार्ड धारकों को राशन मिलेगा। राशन वितरण के लिए सरकार ने कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत राशन वितरण में सरकार ने राशन कार्ड नंबर के अंतिम अंक के हिसाब से राशन का वितरण करने के लिए नियम बनाया है। 5 जुलाई को उनको फ्री राशन मिलेगा जिनके राशन कार्ड का आखिरी नंबर 0 है, और 6 तारीख को उनको मिलेगा जिनका आखिरी अंक 1 है। इसी प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं, 7 तारीख को उनको मिलेगा जिनका अंतिम अंक राशन कार्ड का 2 है। इसी प्रकार से 8 तारीख को उनको राशन मिलेगा जिनका राशन कार्ड की अंतिम संख्या 3 है। इसी प्रकार से 9 तारीख को उनको राशन मिलेगा जिनकी अंतिम संख्या राशन कार्ड की 4 है। आप इसमें देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको बता दें, इसी प्रकार से जिनके राशन कार्ड की आखिरी संख्या 9 है उन्हें 14 जुलाई को राशन मिलेगा। राशन वितरण रात 9 बजे तक होगा, यानी आपको कोई भी भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं व 2 किलो चावल दिया जाएगा। इसके साथ ही जो अंत्योदय राशन कार्ड धारक है उनको 20 किलो गेहूं मिलेगा, 15 किलो चावल मिलेगा और 18 रुपए किलो की दर से चीनी मिलेगा। अगर आपको जून में नहीं मिला है तो जुलाई के पहले चरण में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। तो एक अहम जानकारी जिसमें मैंने आपको बताया है कि राशन कार्ड के अंतिम अंक के हिसाब से आपको फ्री राशन दिया जाएगा। अगर इस प्रकार की वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर प्रकार का अपडेट मिलता रहे राशन से संबंधित। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।